हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और एक्चुअल में ये बहुत इजी भी टॉपिक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में आपको क्या क्या पढ़ना होता है? क्लास 10th में आपको दो चीजें पढ़नी होती है। एक तो पढ़ना होता है डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में और दूसरा होता है आपके पास सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो दोनों आज हम समझते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से हम इनको डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप जानते हो ऑलरेडी कि आपके पास जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्लास 10 तक पढ़ते हैं तो वहां पे हम केवल टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। अगर आप हायर क्लास में जाओगे तो हायर क्लासेस में आप थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ोगे। तो जनरली इस तरीके से आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है एक्स डैश, ये वाई एक्सिस हो गई, ये नेगेटिव वाई एक्सिस यानी कि वाई डैश, करेक्ट। अब यहां पर किसी भी पॉइंट को आपको पता है इधर एक्स पॉजिटिव एक्स की वैल्यू, इधर वाई की पॉजिटिव वैल्यू, इधर एक्स की नेगेटिव वैल्यू और इधर वाई की नेगेटिव वैल्यू हम रखते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है किस चीज के लिए कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट यहां पे है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी, और एक पॉइंट मान लेते हैं यहां पे है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्यू। ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू, ये दो पॉइंट्स आप लोगों के पास हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है वो कैलकुलेट करते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? इनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो मान लेते हैं पॉइंट पी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एक्स वन वाई वन, और पॉइंट क्यू जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज एक्स टू वाई टू, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू वाई टू। तो एक्स वन वाई वन का मतलब आप समझते हो कि एक्स एक्सिस पे हमको एक्स वन डिस्टेंस जाना है और वाई एक्सिस पे वाई वन डिस्टेंस जाना है। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका एक्स वन और ये डिस्टेंस हो गया आपका वाई वन, करेक्ट। उसी तरीके से क्यू जो है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स मैंने एक्स टू बोला तो यानी कि एक्स टू, ये डिस्टेंस जो हो जाएगा एक्स, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका एक्स टू, और ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वाई एक्सिस पे ये हो जाएगा आपका वाई टू, करेक्ट। तो ये जो पी क्यू जो डिस्टेंस है ये हमको पता करनी है कि ये डिस्टेंस कितनी है। उसके लिए हम एक सिंपल सा काम करते हैं, हम करते हैं एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं सपोज आर, क्या नाम रख लेते हैं आर नाम रख लेते हैं, करेक्ट। इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं आर। तो अब आप बता सकते हो यहां से कि पी आर जो डिस्टेंस है, पी आर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आपको पता है कि ये टोटल डिस्टेंस, यहां पे आप देख सकते हो ये टोटल डिस्टेंस है एक्स टू और ये डिस्टेंस हो गया एक्स वन, तो ये जो डिस्टेंस है पी से लेके आर तक का ये कितना हो जाएगा, दिस इज एक्स टू माइनस एक्स वन। उसी तरीके से क्यू आर वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो आप देख सकते हो ये टोटल डिस्टेंस, आप यहां पे देख सकते हो टोटल डिस्टेंस है वाई टू और ये डिस्टेंस है वाई वन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास वाई टू माइनस वाई वन। तो बड़ा सिंपल सा है, क्यू आर कितना हुआ वाई टू माइनस वाई वन और पी आर कितना हुआ एक्स टू माइनस एक्स वन। अब आपको पता है कि वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो परपेंडिकुलर होगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं हम, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा कि पी क्यू का स्क्वायर, आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर। तो यहां पे पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, पी आर देख सकते हो, पी आर कितना है, ये है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो आप यहां से क्या कह सकते हो, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, क्योंकि अब हमको यहां से स्क्वायर हटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला, यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो देखिए कितना इजी है डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे लिए कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट। ये क्या मिल गया आपको, डिस्टेंस मिल गया दो पॉइंट्स के बीच का। तो कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही पढ़ना है और आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि डिस्टेंस आया कहाँ से, डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहाँ से, क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं
तो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आप कर सकते हो, लेकिन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला को किस तरीके से यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला भी समझ लेते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। तो सेक्शन फॉर्मूला समझने के लिए, देखिए सेक्शन फॉर्मूला समझने के लिए अगेन हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, अगेन एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं पॉइंट पी है। ओके ये पॉइंट पी है, इधर एक्स एक्सिस लेते हैं, इधर वाई एक्सिस। निगेटिव में भी हो सकता है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। निगेटिव में हुआ तो आप निगेटिव वैल्यू रख लेना, तो एक्स वन कॉमा वाई वन हो जाएगा। यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स टू कॉमा वाई टू। तो मान लेते हैं कोई लाइन सेगमेंट है पी क्यू, कोई लाइन सेगमेंट है पी क्यू, और पी के कोऑर्डिनेट्स और क्यू के कोऑर्डिनेट्स दोनों के आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स भी हमको पता है और क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी हमको पता है। हमको पता है क्या करना है, हमको और क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है एक पॉइंट पी और क्यू को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है या लाइन सेगमेंट है उसके कहीं पे एक पॉइंट दिया हुआ है आर, उसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हमको एक्स वाई मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई पता करने कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी अगर ये जो आर है वो पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करता है, एम इज टू एन के रेशियो में। किस रेशियो में डिवाइड करता है, एम इज टू एन के रेशियो में। यानी कि क्या बताया गया यहाँ पे कि जो आर पॉइंट है पी आर इज टू क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इज टू एन, ये दिया हुआ है एम इज टू एन। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए बहुत सिंपल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये। तो सेम यही चीज आपको पता होगी, सेम वही काम करना है हमको। ये डिस्टेंस जो है ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया यहाँ पे ओ, ये हो गया आपका एक्स वन, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा आपका वाई वन। उसी तरीके से ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस एक्स टू, ये वाला जो डिस्टेंस होगा कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका वाई टू, करेक्ट। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो होगा ये देखिए, क्योंकि इसके एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका एक्स, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा एक्स, ध्यान रखिए। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा आपका वाई, ये डिस्टेंस जो होगा दिस इज वाई। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आर वाला पॉइंट है ये एक्स कॉमा वाई है। अब क्या करेंगे हम, अब हम एक काम करेंगे, अगेन हम यूज करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट। किस चीज का कॉन्सेप्ट, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट। तो मुझे क्या पता करना है, मुझे एक्चुअल में एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि इन ये आपको दिख रहा है यहां पे पी, यहां पे क्यू, और यहां पे हमने आर लिया है, ये पॉइंट आपके पास आर है, करेक्ट। तो कुछ और पॉइंट ले लीजिए, मान लेते हैं इसको एस ले लेते हैं और इसको टी ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू टी, या आप सीधा कह सकते हो ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर टी। तो आप देख सकते हो यहां पे कैसे मैं सिमिलर कह रहा हूं, क्योंकि देखिए, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो पी आर टी और पी क्यू एस में देखो ये एंगल जो है ये दोनों 90 डिग्री हैं और ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हम इन दोनों को क्या मान सकते हैं, क्या प्रूव कर सकते हैं कि दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। तो अगर पी क्यू एस और पी आर टी सिमिलर होगा तो यहां से आप क्या कह सकते हो, तो यहां पर हम सिमिलैरिटी यूज करके लिख सकते हैं पी क्यू बाय, देख सकते हो पी क्यू बाय पी आर इज इक्वल टू पी एस बाय पी टी इज इक्वल टू क्यू एस बाय आर टी। सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी यूज करके हम ये लिख सकते हैं। तो क्योंकि सिमिलर हैं दोनों ट्रायंगल्स, मैंने आपको सिमिलैरिटी का रीजन भी बता दिया कैसे हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। और पी क्यू, पी क्यू देखिए, पी क्यू, पी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पी क्यू को आप कितना लिख सकते हो, पी क्यू को आप लिख सकते हो पी आर प्लस क्यू आर बाय पी आर इज इक्वल टू, देखिए पी एस, पी एस को आप क्या लिख सकते हो, कहाँ गया हमारे पास पी एस, पी एस ये रहा, तो पी एस को क्या लिख सकते हो आप पी टी प्लस टी एस बाय पी टी इज इक्वल टू क्यू एस, क्यू एस को आप क्या लिख सकते हो, क्यू एस ये रहा हमारे पास क्यू एस, तो क्यू एस को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे काम करते हैं क्यू एस को लिखने के लिए, यहां पे एक और पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पी क्यू आर एस टी, इसको हम ले लेते हैं पॉइंट एम एन ले लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, जो एन एस जो होगा, एन एस किसके बराबर हो जाएगा, एन एस इज इक्वल टू, एन एस इक्वल टू ये एन एस है किसके बराबर होगा आर टी। तो क्या लिख सकते हैं क्यू एस को,
दैट इज एन एस प्लस क्यू एन, यानी कि क्यू एन प्लस एन एस, एन एस किसके बराबर होगा, आर टी बाय आर टी, ये लिख सकते हो आप इसको। तो यहां पे देखिए पी आर बाय पी आर दैट इज वन प्लस क्यू आर बाय पी आर इज इक्वल टू पी टी बाय पी टी वन होता है प्लस टी एस बाय पी टी प्लस यहां पे क्यू एन आर टी बाय आर टी ये वन होता है प्लस क्यू एन बाय आर टी, तो वन सब जगह है तो वन कैंसिल कर देते हैं सब जगह से, तो हमको क्या मिला यहां से क्यू आर बाय पी आर, तो क्यू आर बाय पी आर कितना है, क्यू आर बाय पी आर, क्यू आर बाय पी आर है एन बाय एम, ये रेशियो देखो क्यू आर बाय पी आर का जो रेशियो है, पहले ही बोला था ना पी आर बाय क्यू आर एम इज टू एन था, ये आपको पहले ही दिया हुआ था कि पी आर इज टू क्यू आर क्या है इक्वल टू एम इज टू एन है, तो क्यू आर बाय पी आर क्या हो जाएगा एन बाय एम इज इक्वल टू, अब टी एस देखिए टी एस कहाँ है, ये रहा टी एस, तो टी एस आप देख सकते हो कितना है, ये टोटल डिस्टेंस है एक्स टू माइनस एक्स अपॉन पी टी, पी टी देखिए कहाँ है, पी टी कहाँ है, ये रहा पी टी अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, चलिए तो इसको करते हैं हम, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई टू, देखिए क्यू एन, क्यू एन कौन सा डिस्टेंस है ये, तो पूरा डिस्टेंस वाई टू है और ये वाई वन है, तो क्यू एन कितना हो जाएगा वाई टू माइनस वाई, ये जो एन वाला डिस्टेंस है वाई है, ध्यान रखिए ये वाला डिस्टेंस है वाई, तो अपॉन आर टी, आर टी ये वाला डिस्टेंस है, देखिए आर टी कौन सा डिस्टेंस हो गया ये वाला, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस था वाई माइनस ये इतना हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं तो वाई माइनस वाई वन, तो ये हमारे पास आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कीजिए आप आराम से, कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक काम करते हैं हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए एन एक्स माइनस, पहले इसको सॉल्व करते हैं, एन एक्स माइनस एन एक्स वन इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए एम एक्स टू माइनस एम एक्स, करेक्ट, तो यहां से देखो x, मुझे x की वैल्यू चाहिए और मुझे y की वैल्यू चाहिए, ध्यान रखना मुझे ये r के कोऑर्डिनेट्स x और y की वैल्यू पता करनी है, तो x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, एम एक्स को उधर भेज देंगे तो उधर प्लस हो जाएगा, तो एम एक्स प्लस एन एक्स हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स टू प्लस ये एन एक्स वन जो है ना, एन एक्स वन को इधर लेके आ जाएंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा एन एक्स वन, तो यहां से देखिए क्या मिला मुझे, अगर मैं x को m को कॉमन ले लूं, x को कॉमन ले लूं, तो x को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, m प्लस एन इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है सेक्शन फॉर्मूला में, मुझे x की वैल्यू मिल रही है, x इक्वल टू कितना आया, देखिए x इक्वल टू कितना हो गया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन। उसी तरीके से y के लिए भी सॉल्व कीजिए, तो y के लिए सॉल्व करेंगे हम, तो m बाय देखो n बाय m इक्वल टू, यहां पे देखिए इक्वल टू क्योंकि n बाय m था, तो इसको भी सॉल्व कीजिए, तो n बाय m तो मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा, पहले n को मल्टीप्लाई करेंगे तो एन वाई सेम हो जाएगा एन वाई माइनस एन वाई वन इज इक्वल टू एम वाई टू माइनस एम वाई, तो देखिए जैसे y के लिए बनी थी सेम वैसी, y को तो एक तरफ कर लेते हैं हम, तो एम वाई उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस एम वाई प्लस एन वाई इज इक्वल टू एम वाई टू, और इस एन वाई वन को आप इधर लेके आ जाएगा प्लस एन वाई वन, तो यहाँ पे सेम एम वाई को कॉमन ले लेंगे, तो वहां से y क्या मिलेगा मुझे, y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन, तो ये आपको m और n दोनों की वैल्यू मिल गई इस तरीके से, सॉरी x और y दोनों की वैल्यू मिल गई कि किस तरीके से आप x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर कोई पॉइंट है जो x1 किसी पॉइंट p और q जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हैं, उनको अगर m इज टू n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के रेशियो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y क्या हो जाएंगे, मैं इस सबको हटा देता हूं एक बार, तो x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना, वो हो जाएंगे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन, तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, उस अननोन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो इनको m इज टू n के रेशियो में डिवाइड करता है इस PQ को। अब दूसरा आता है, ये तो हो गया आपके पास सेक्शन फॉर्मूला, ये हो गया आपके पास सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा आता है आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला, कि अगर आपको मैं पूछूं कि व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो PQ का मिड पॉइंट क्या होगा, तो PQ का मिड पॉइंट अगर मान लेते हैं R, अगर PQ का मिड पॉइंट है तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा इसको, वन इज टू वन के दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, वन इज टू वन के रेशियो में डिवाइड करेगा, और अगर वन इज टू वन के रेशियो में डिवाइड करेगा तो वहां से हम क्या सीखते हैं,
वहां से हमको क्या पता चलेगा, वहां से हमको ये पता चलेगा कि m इज टू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1:1, यानी कि m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1:1 हो जाएगी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला में m और n दोनों की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, फिर अगर मान लेते हैं एक्स वाई मिड पॉइंट है तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, तो x2 प्लस x1, या आप इसको आप लिख सकते हो x1 प्लस x2, बात एक ही है, बाय 1 प्लस 1 2 कॉमा यहाँ पे भी y1 प्लस y2 बाय 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होगी कि किस तरीके से आपके पास आता है डिस्टेंस फॉर्मूला और किस तरीके से आपके पास आता है सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला, इनको आप कैसे डिराइव करते हो। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।